दीजी किन्ना चंगा स्वेटर बनाया तुसी, ये वेखो किन्ना सोहना स्वेटर है, है ना? पर एनू सिलिया क्यों नहीं तुसी? पुत्तर जी, बच्चे दे आन तो पहले कोई चीज पूरी नहीं कर दे। मतलब तब तक ये अधूरा ही रहेगा? पुत्तर जी, अधूरी खुशी हुंदे हो भी पूरी लगती है। अच्छा बीजी, फिर ये दूजा स्वेटर किस दे वास्ते बना रहे हो? अपने वास्ते। अच्छा, अपने वास्ते बना रहे हो? हाँ, तो क्यों, मैनू ठंड नहीं लगती की? अरे मैं तो हुण बहुत जीना वे, पड़पोते दा व्याह देखना है, ओदे भी अगो बच्चे देखने है, ओना दा भी व्याह देखना। अरे वाह बीजी, ए पड़पोता आने से पहले पड़पोते में बड़ा प्यार आ रहा है, और मैंने कुछ हो गया तो? चुप कर खोतिया, कितना दिया गल्ला करने, एक चपेड़ मारांगी ना, शक्ल चंगी नहीं है ते गल ता चंगी कर रिया कर। आज रात घर में जगराता है, ऐसी बातें मत कर। अरे बीजी, होगा वही जो वाहे गुरु जी दी मर्जी होनी है, सब रब रखा है बीजी। पुत्तर जी, कितने जा रहे हो? बीजी, वो मन्नत मांगी सी, तोता चढ़ावा चढ़ान जाना, आधे घंटे च वापिस आ जाओ। ठीक है पुत्तर जी, ध्यान नाल गड्डी चलाना। हाँ जी, तुसी चिंता ना करो, असि ध्यान रखांगे। ठीक है पुत्तर। अच्छा बीजी, तुसी टेंशन ना लेना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ मैनू माफ कर दे, माँ मैनू पार लगा दे, मैनू दर्शन दे, माँ मैनू दर्शन दे। जय माता दी, 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 जय माता दी। दीपा, माता रानी ने सानू साक्षात दर्शन दे दिते। जय माता, जय माता, माँ मैनू धन्य कर दे, माँ मैनू दर्शन दे दे। सुखी पुत्र, दीपा, दीपा, फिर दिख आई हो, हाले तक नहीं आए। दसो बीजी, की होया? आज सवेरे 5:30 बजे जगराते दे बाद गड्डी लेके सुखविंदर ते मेरी नू दोनों कट्ठे चढ़ावा चढ़ान गए सी, अद्धा घंटा बोल के गए सी, पर दोपहर हो गई, 2 बज गए, हुण तक वापस नहीं आए। बीजी, चढ़ा चढ़ा ते कित्थे गए सी? ग्रह शांति की पूजा से, कहते कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। मेरी नूह पेट से है, 8 महीने पूरे हो गए, तो बच्चा कभी भी हो सकता है। बहुत चीज घबरा रहे हैं। फोटो है ना उनके पास? 1 मिनट। हेलो, पेज बड़े छोटे छोटे ला दें, मेरे को खुले नहीं, मैं फ्रेम ही ले आई। गड्डी का नंबर याद है? PB02 35DC। काम कहाँ करता है वो ऑफिस? ओ जी, बिजली विभाग से, GE। ये काम करो, तुझे कर जाओ, कुछ खबर मिलेगी तो आपको फ़ोन कर दूंगा मैं। सुखी अगर घर आ जाए तो उसे कहना कि हमें फ़ोन करे। जी पुत्र, संभाल के बीजी। अंकुर, एक काम करो, जरा सुखविंदर के ऑफिस में पता करो, हाँ, और जो गड्डी का नंबर है ना वो RTO में शेयर करो, कार की लोकेशन पता करो, वो अस्पताल में पता करो, कोई एक्सीडेंट का केस ना हो। जी सर।
पुत्र जी, कुछ पता चले? बीजी, हमने सुखी के ऑफिस में पता किया, वो गए नहीं ऑफिस। अस्पताल में भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं है। पर तुसी चिंता ना करो, मिल जाएंगे वो, इसे कर जाओ। कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती मैं खुद आपको बता दूंगा। ठीक है पुत्र जी, तुसी अपना काम करो, मैं ऐसी बार बैठ के इंतजार कराँगी। मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा, तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना? ये बोल मेरी माँ, मेरा बाप ले आया उसे मनामून के, मैं कुछ नहीं कहता। तू तो कह रहा था वो तेरे साथ नहीं रहेगी। तेरे साथ रहेगी ना, वो साथ रहेगी ना? नहीं ओए, तू जा मेरी माँ, मैं उसे संभाल। तेरे से ना कुछ नहीं होने वाला, तू जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके बैठ। मोया मर जाना, हट। लगता है मैंने कुछ करना पड़ेगा। सर जी, सुखविंदर के कॉल रिकॉर्ड आ गए ने। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसके फोन की लास्ट लोकेशन सुल्तान विंड चौक थी। उसके बाद उसका फोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया। हम उस एरिया में तलाश कर रहे हैं सर, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। ठीक है अंकुर। सर बीजी सवेरे से ही बैठी है। बीजी, बीजी तुसी अंदर आओ, चल। पुत्र जी, मेरा सुखी ते बहु मिलता जानगे ना, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल च होंगे। बस मेरा तो बहु और सुखी है, सब कुछ खुशियों के दिन आए तो सुखी नहीं। बीजी 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 नहीं नहीं नहीं, रुकते नहीं रुकते नहीं बीजी, आप इतनी बहादुर हो, मिल जाएगा सुखी, मैं कह रहा हूँ ना सुखी मिल जाएगा। वो इंतजार सबसे मुश्किल होता है जो कभी खत्म ही ना हो, जिसके साथ जिंदगी के हर लम्हे को सजाया संवारा गया हो। अगर वो अचानक कहीं चले जाए तो इंसान चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता है। जब कभी भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उन्हें ऐसा होने से पहले कोई दस्तक मिली थी, या फिर उन्हें कोई दस्तक मिली जरूर थी लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। परमजीत के पोते सुखविंदर और उसकी गर्भवती पत्नी दीपशिका का कुछ पता नहीं था। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी बीच हमारे सामने कुछ ऐसा आया जो एक बड़े गुनाह की तरफ इशारा करता है। ओदी गड्डी का नंबर PB02-35DC। गुरमीत सर, अंदरों चेक कर। ठीक। सर गड्डी तो सुखविंदर दी है लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। सर ये जूते सुखविंदर और दीपशिका के लगते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उनके साथ पहले लूटपाट की हो फिर बाद में उनको मार के या नीचे पानी में फेंक दिया हो? अगर लूटपाट की होगी तो क्या मुजरिम गड्डी यहीं छोड़ के जाएगा? सर फिर तो हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। अंकुर, आत्महत्या करने की वजह होनी चाहिए। तुम एक काम करो अंकुर, ये पूरा एरिया चेक करो, गोताखोरों को बुलाओ और बॉडी और एविडेंस निकलवाओ। और इस नदी के आगे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करो, अगर सुखविंदर और दीपशिका सचमुच पानी में गिर गए हो और उनकी बॉडी ना मिले तो हो सकता है कि वो बह के आगे चले गए। अंकुर तुम पूरा एविडेंस कलेक्ट करो, ठीक है? मैं बीजी के पास जाता हूँ, ये जूते चप्पल दिखाकर कंफर्म करता हूँ ये सुखविंदर दीपशिका के है या नहीं। उमित जूते तो मेरे सुखी दे, ते चपला मेरी नूरानी दी, तुहानू कित्थे मिले? सुधा नदी ते जो पुराना पुल है ना वहीं पड़े थे। हो सकता है कि वो
कहीं कूद ना गए हो, मतलब हो सकता है कोई धक्का दे दी हो किसी ने, आत्महत्या करने की कोई वजह तो नहीं है? ये गल्ला कर रहे हो, मेरा सुखी ते मुंह मार नहीं सकते, सब कुछ है उन्हें कोल, और हुण तक इतने दिनों बाद नूरानी दी सुन्नी गोद परस वाली सी, नहीं हो सकते। हाल फिलहाल कुछ घटी हो बीजी, मतलब कोई घटना, कोई कोई बात हो? 4 महीने पहले सुखी दे दफ्तर वालिया ने उन सस्पेंड कर दिता सी, और कुछ दिन पहले वापिस नौकरी दिती। सस्पेंड जी, क्यों हुआ था सस्पेंड? पता नहीं पुत्र जी, वकील नु पता होएगा, जोगिंदर नाम है। जोगिंदर जी, ये सुखविंदर खुराना का मामला क्या है? अरे सर, सुखविंदर के पिंड में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, उसके साहब लोगों ने उसे फंसा दिया कि उसने नौकरी दिलाने के लिए उससे पैसा खाया है, बस मैंने उसको गलत साबित कर दिया। मतलब सुखविंदर ऐसा काम करता था? सुखविंदर अगर ऐसा काम करता तो मैं उसका साथ देता? और नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बेसलेस से बकवास है। देखो जी, जब बंदा खाने कमाने लगता है ना तो उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। अब जलते हैं जी सब एक दूसरे से यहाँ। सर, इस वकील ने तो कुछ दसिया ही नहीं। वकील है, दांव पेच तो करेगा ही, बस कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। हाँ तो फिर दस, सुखविंदर ने केड़े केड़े कांड किए? चल सर जी, अब मैं क्या बताऊं जी? चल बता ना, जोगिंदर के वहां सारे पेपर्स तेरे पास ही आते हैं ना, तूने तो सब देखा होगा। बोल। सर जी, वो उसने ना एक लड़के से 5 लाख रुपए लिए थे, उस लड़के ने ना अपनी सारी जगह जमीन बेच कर पैसे दिए थे जी, वो बाद में उस लड़के की नौकरी नहीं लगी, पर ये लोग भी मगर गए, कोई पैसे नहीं दिए, बस इस चक्कर में ना उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। सुखी ने सचमुच ये पैसे लिए थे क्या? हाँ जी। और जोगिंदर ने सुखी की मदद की? हाँ जी। तो फिर ये बात तो कोर्ट में बोलेगा ना जी? सर जी, वो सर जी नौकरी का सवाल है। निकलो सर जी, सत श्री अकाल जी। हटो हटो हटो, पीछे हटो हटो। अंकुर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और बीजी को बुलाओ, लाशों की शिनाख्त करनी है। सर, बॉडी के उत्ते स्ट्रगल के मार्क्स मिले ने, और ब्लड में नशीली चीज के ट्रेस मिले। यानी कि यह सरासर मर्डर था, किसी ने इन दोनों को जानबूझ के धक्का मारा था, और जब ये पानी में गिरे तो ये नशे में थे या आधी नींद में थे, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए कोई रेजिस्ट नहीं कर पाए। पीजी का की करना है? ओ नो, वृद्धाश्रम भेज दो। हाँ ठीक है। परमजीत जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। आप कौन? हम उनके रिश्तेदार हैं। जो हुआ है गलत हुआ है, कुछ तो बोलो। सब कहते मेरा पोता गलत काम करता था, जहां मान लेती हूँ गलत काम करता था, किसी ने गुस्से में आके उसके साथ ये सब किया, पर मेरी बहू का क्या, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, और वो अजन्मे बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है?
मेरे पास इस वक्त परमजीत के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे तमाम कोशिशों के बावजूद मैं ये पता नहीं लगा पाया कि सुखविंदर और दीपशिखा की मौत किसके हाथों हुई। हमने तो उस लड़के के घर भी तहकीकात की जिसने सुखविंदर की वजह से खुदकुशी की थी, लेकिन हमारे हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आया। दिन गुजरे, महीनों गुजरे, मैं परमजीत के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं पता लगा पाया कि उनके पोते और बहू को किसने मारा। इसी बीच मेरा तबादला अजनाला पुलिस स्टेशन हो गया। वो सच्चे दरबार की। निर्मल, गुरलीन कहाँ है? होगी अपने हंस के साथ एक गप्पे लड़ा रही होगी। मुंडा ते चंगा मिला मेनू, बस थोड़ा पढ़ लिख जाता तो। जी पढ़ लिख जाता जी, कनाडा में ऐसे ही नौकरी नहीं मिली मेनू। 22 गाड़ियां चलती है हमारी। अच्छा। MBA किया है हमने। ओ जी देख लो, कोई दिल जले आशिक का फोन आ रहा है आपको। आशिक तो तुसी है गे हो, ऐसे सारे दिल जले हैं। वो मेरी ना फ्रेंड है गे पम्मी, वो मेरे बार बार कॉल कर रही है। तुसी कहो तो मैं गाल कर लूँ। अजी कर लो। होने आई हो। ओए शुदाई हो गया, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा है? तू मेरा फोन कट कर रही है। हाँ तू मेरा खसम है, तो तेरा फोन चुको। सुन मैं अपने हंस के साथ थी। ओए ज्यादा अपने हंस के साथ चोंच ना लड़ाई, वरना मार दूंगा उसे। ओए बड़ाया जान से मारने वाला, अगर तूने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें निकाल दूंगी मैं। और सुन मैं हंस के साथ ना शादी करूंगी, उसके साथ सुहाग रात मनाऊंगी और हनीमून पर भी जाऊंगी। और एक और गल सुन, उसके बच्चे भी पैदा करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सर मेरा नाम बलजीत चड्डा है जी। सर मेरा बड़ा भरा और भाभी जी वो आज सवेरे से गायब है जी। सर कल रात को हमारे घर पे जगराता था और सवेरे 5:30-6 बजे वो पूजा करने के लिए अपनी गड्डी लेके बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए जी। वो तो है सर, राह का नाम है जी बलवंत चड्डा और भाभी का नाम है जी मंजीत चड्डा। ये फोन रखो चो। और फोन नंबर, गड्डी का नंबर सब नोट करवाओ। ठीक है सर। सर एक सारा किया तेरा नाम पम्मी का है। पम्मी कौन है? सर पम्मी एक नंबर का कमीना बंदा है जी। सर मेरी छोटी बहन है गुरलीन, उसके पीछे पड़ा रहता है जी। कंजर खुद तो शादीशुदा है, अब जब मेरी गुरलीन की शादी होने वाली है तब भी हमारे घर के बाहर चक्कर काटता रहता है, और कल रात तो उसने हद ही कर दी। ओए पम्मी, ओए कुत्ते को भी 4 लात मारो ना तो वो 5 बार दरवाजे पे नहीं आता है। तू तो कुत्ते से बदतर निकला खोतिया। तुझे तो गुरलीन के आसपास नजर आया ना, मैं तेनु मार के थे गाड़ देना है। और मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पाई है। मम्मी का एड्रेस नोट करवाओ। ठीक है सर। नवजोत सर, बलवंत का फोटो और गड्डी नंबर सर्कुलेट करो, अस्पताल में पता लगाओ और उसके काम की जगह भेजो। तो तब तक चलो मम्मी से मिल के आते हैं। सर ओके ठीक। सर बलवंत के फोन के लास्ट लोकेशन के मुताबिक उस सुल्तानगंज चौक एरिया में था, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। वो एरिया चेक करवाओ, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे। सर सर लगता है यही एरिया है। हाँ हाँ, एक मिनट रुक, गाड़ी रुको गाड़ी रुको। ए इधर अम्मी को जानता है? हाँ कहाँ रहता है? इसी गली में तीसरा घर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अम्मी को जानती है? हाँ जानती हूँ। कहाँ है वो? यहीं पे रहता है, लेकिन कल से तो कहीं दिखा नहीं। वो सर जी मैंने लगता है इस पम्मी ने ये सब कुछ किया है, इसीलिए फरार है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस करो आप। सर
पम्मी का फोन नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो। घर पे और कोई है? हाँ है ना, ओदी बीवी किरण, पर अभी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई? मैं क्या गई होगी? अच्छा, शादीशुदा है और दूसरे लड़कियों को तंग करता फिरता है। गुरलीन को जानती है? अच्छी तरह जानती है। पम्मी ऐसा नहीं है, पर गुरलीन उसके पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो उसकी बीवी उसका घर छोड़ के चली गई है। मैं तेरे को कब से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा कंजर? अच्छा तो अपनी बीवी के साथ था ना अंदर, अपने बाप को सुला के अपनी बीवी के साथ हनीमून मना रहा था ना। उन दोनों में फिर से लड़ाई हुई, इसीलिए तो किरण फिर अपने मैके वापस चली गई। ठीक है, आप जा सकती। हाँ बोलो सर। पम्मी के फोन की लोकेशन आजाना चौक के पास है। वहाँ तो बलजीत का घर है। जी सर। इसको कुत्ते, मेरा ब्याह होने वाला है। अरे ब्याह तो तेरा होगा ही इस रांझे नाल, समझी? वड्डा यार रांझणा तू, परे हो जा, मैं तेरे नाल करनी फरेवल वाली कट्टी। अरे कहीं ज्यादा कट्टम कट्टी ना कर, नहीं तो की करेगा मेरे नाल? की करेगा? दस सोच ले। सोच लेता पक्का। आ गई। गुरदीन दरवाजा खोलने से इतना टाइम क्यों लाया? वीर जी मैं ना बाथरूम में थी। पम्मी कितने? पम्मी थे की करेगा पम्मी? इस कमरे में मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर मारने की दवा तो होगी? दवा है, मैं लेकर आऊँ। समझो सर, मच्छर मारो जरा, हटिए। ओ सरस्वती वीर जी, इतने मच्छर नहीं है कि देखो कमरा। चलिए हटिए हटिए। पम्मी सर देख लो, हमारे घर में आके छुप के बैठा हुआ है। रद्दी सो, गुड्डी लाल ने बहुत प्यार करता सी। तभी उसके बड़े भाई को गायब कर दिया तूने? साहब जी मैं तो जान से मार देता लेकिन बच गया। हो बच कहाँ गया, गायब तो तूने पहले ही कर दिया। साहब जी मैं कुछ नहीं किता। कहाँ था तू इतने समय, कहाँ पे था? उस दिन मैं बाहर में बैठा था, दारू पी रहा था, तभी गुरलीन का फोन आया। मैं शादी कर रही हूँ। अरे ऐसे कैसे शादी करने रहता? अरे मैं प्यार करता हूँ, जान है। की होया सर जी? इन सब में इसका हाथ नहीं है। बहुत ही सिंपल केस है सर जी, बलवंत इसके प्यार के खिलाफ था तो इसने बलवंत की पूरी फैमिली को ही गायब कर दिया। पता नहीं क्या क्या होगा उनके साथ। इतना भी सिंपल नहीं है नवजोत। आप एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। ओके सर जी, बलवंत की गड्डी मिल गई है। गाड़ी तो क्लीन है, अनटस्ट। सर गड्डी तो सुखविंदर दी है लेकिन अंदरों पूरी तरीके से क्लियर है। आगे वाली पुलिस चौकी पे इन्फॉर्म करो, बलवंत और उसकी फैमिली की लाश बह के उस तरफ गई होगी। लाश? आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं श्योर हूँ नवजोत, बिल्कुल एक साल पहले ऐसा ही हुआ था इसी जगह पे। हू बहू सारा एरिया चेक करवाओ, यू कांट टेक एनी चांसेस। और गोताखोर बुला, एविडेंस निकला। जी सर। हाँ सर, पापी जी और पाजी। मुझे जी, भाई ने आखिरी बार आपसे क्या कहा था? आखिरी बार
पाजी ने यही कहा कि घर की शांति की पूजा के लिए जा रहा हूँ, आधे घंटे में वापिस आ जाऊंगा। मंजीत भाभी साथ में थे। जी चढ़ा चढ़ा दे कितने गया सी? ग्रह शांति की पूजा थी, कहते हैं कुछ पूछते नहीं, अब शगुन हुंदा वे। ओए बेल मिल रहा है तुझे, वक्त पे आके हाजिरी देते रहियो और शायद छोड़ के ना जाना। बात सुन, बंदा तो बुरा नहीं है, देख पते की बात बता रहा हूँ तेरे को। क्यों उसके साथ टाइम पास करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे? ना जी ना साहब जी, मैं उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? अरे वो तो मेरा प्यार है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। भाई मर गया उसका, एक नंबर का कमीना इंसान था, दोनों भाई ना एक नंबर के कलाकांडी इंसान थे, और बड़े वाले घपलेबाज थे। कौन से घपले? अच्छाई और बुराई, आज नहीं तो कल सामने पड़ना ही है उसको। सर बलवंत और मंजीत के प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, दोनों के बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं और दोनों के बॉडी पे सेरेटिव्स पाए गए। आपको कैसे पता? ऐसा एक केस मेरे पास आया था जब मैं झंडियाला पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, इनफैक्ट उन्हीं का रिश्तेदार था जो मारा गया था। तो आपको क्या लगता है सर, हो सकता है कोई इस परिवार का दुश्मन हो जो इन्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हो, या हो सकता है कोई और हो? सवाल उठता है कि ये है कौन? बलवंत के परिवार के साथ जो हुआ वो हुबहू वैसा ही था जैसा सुखविंदर और दीपशिका के केस में हुआ था। हमारे सामने ये सवाल था कि वो कौन है जो इन मासूमों को अपना निशाना बना रहा था, क्या उसकी इन सबसे कोई जाति दुश्मनी थी या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी। हम इस गुत्थी को सुलझा ही रहे थे कि हमारे सामने एक बड़ी घटना घट गई। ये बलजीत और उसकी पत्नी निर्मल, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? बलवंत वीर जी और फाबी की डेथ के बाद बलजीत वीर जी बहुत परेशान रहने लग गए थे, रात रात भर सोते भी नहीं थे वो। फिर एक दिन उन्होंने पूजा करने का प्लान बनाया और वो पाबी के साथ अकेले जाने वाले थे। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए जिद करके मैं भी उनके साथ चली गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, ये जो हमारी छोटी सी कमाई है इसको बस आप शुद्ध कर दो जी। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोल माता रानी की जय। दर्शन दीजिए माता रानी, दर्शन दो अपने। लेकिन माता रानी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो माता रानी नहीं थी, कोई बहरूपिया थी। तुम इसकी शक्ल देखी थी ठीक से? मतलब स्केच बनवाने में मदद कर सकती हो? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी थी, उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन हाँ उसने लाल जोड़ा और लाल चूड़ियां पहनी हुई थी। कौन से थे जो बलजीत शुद्ध कराना चाहता था? मैंने नहीं पता सर जी, लेकिन जोगिंदर वीर जी को पता होगा क्योंकि दोनों भाइयों के पैसों की डिटेल वो ही रखते थे। सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, सब सेम है, बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स भी है और सेरेटिव्स के ट्रेसेस भी, गुरलीन के भी। आपको क्या लगता है सर, ये सब कुछ उसी इंसान ने किया है जिसने सुखविंदर और बलवंत के फैमिली को मारा था? झंडियाला और अजनला के बीच ये बुद्धा नदी पर पुराना सा पुल है, सुल्तानगंज चौक क्रॉस करके जाना पड़ता है, 44 किलोमीटर का गैप है। ये तीनों केसेस इसी पुल पर हुए हैं और तीनों केसेस में धक्का जो है इधर से दिया गया है। अब तीनों केसेस में कॉमन कड़ी एक ही है, वो सर जी जोगिंदर। हाँ
सुखविंदर का केस जोगिंदर ने हैंडल किया है, बलवंत और बलजीत का केस भी जोगिंदर ने हैंडल किया है। सर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन देखा जाए तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि सुखविंदर के केस के बारे में बलवंत को और उसके घर वालों को बहुत अच्छे से पता था। तो ऐसा हो भी सकता है कि गुरलीन ने जाके ये कहानी पम्मी को बताई, पर पम्मी और गुरलीन ने बलवंत और बलजीत को रास्ते से हटाने के लिए इस कहानी की मदद ली ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। एक काम करो, गुरलीन और पम्मी के बीच आदमी लगाओ, उनके एक एक मोमेंट्स पर नजर रखो। पहले तो ये पता करना होगा कि ये पैसे कौन से थे जिसके बारे में गुरलीन बात कर रही थी। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरलीन झूठ बोल रही हो, और अगर मान भी ले कि गुरलीन सच बोल रही है तो आखिर वो औरत हो कौन सकती है जो माता रानी के रूप में ये सब कुछ कर रही है? ओ प्रीतो, मेरी पत्नी प्रीतो। जय माता दी। और माता की बहुत बड़ी भक्त है ये। अच्छा, अब सर जी आप ये मेरे आगे बिस्कुट क्यों डाल रहे हो ना, सब जानता हूँ। सर ये पैसा करो, मुझे अपना खबरी बना लो। जब भी किसी ढोल की पोल खुलवानी होती है आप मेरे को उठा के ले आते हो यहाँ। वैसे एक बात बताऊँ सर जी, मैं भी ना वकील बन गया हूँ जोगिंदर जी के आशीर्वाद से। वाह वकील साहब, यही बता दो कि ढोल की पोल खोल रहे हो आजकल, पैसे कौन से हैं? अरे वो सर जी, वो उन दोनों भाइयों ने मिल के ना धोखे से घर का सौदा किया, 40 लाख में हुआ था सौदा। लेकिन ये जो 40 लाख थे ना, ये सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए थे। असल में सौदा हुआ था 48 लाख में, जिसका बलवंत भाई को पता ही नहीं था। जोगिंदर भाजी, ये ना 1 लाख रुपए मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, बस आप वो बलवंत भाजी को ना बताना कि मकान 48 लाख का बिका, उनको बताना 40 लाख का ही बिका है। काम हो गया ना जी, तो 1 लाख रुपये और दे दूंगा। एक नंबर दे कंजर हो तुम दोनों भाई, पर तू कुछ ज्यादा ही। वर्जस। हाँ जी आई। थे हाँ? आई आई। ले। मैं पहले अलमारी चल दे। हाँ जी हाँ जी, अभी रख देती हूँ। जय माता दी भाई साहब। जय माता दी बाबू। बस उन दोनों ने मिलके पाई पाई बांट ली। बलवंत भाई को कानो कान खबर नहीं होने दी कि उनका छोटा भाई कितना कमीना था। वो वैसे कमीने तो दोनों ही थे जी, अपने रिश्तेदार का घर हड़प कर अपने नाम से भेज दिया। अब ये बात तू कोर्ट में तो बताएगा नहीं सर जी? वो कम से कम ये तो बता दे कौन सा रिश्तेदार है ये जिसका घर हड़प गए। हो सकता है बदले की भावना से उसी ने मर्डर किया हो। सर जी वो सुखविंदर था ना, उसकी दादी परमजीत, उसी का घर था। सर जी एक बात बताऊँ आपको? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारे के सारे जो पैसे थे ना, वो अब गुरलीन और पम्मी के पास ही। जाहिन सर, बड़े दिनों बाद फोन किया सर। अंकुर, अच्छा वो तुम्हें बीजी याद है, परमजीत कौर, वो सुखविंदर और दीपशिका केस वाली? हाँ जी हाँ जी। जरा पता करो आजकल वो कहाँ है। जी सर, हो जाएगा। थैंक यू सर जी। मैं सच कह रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं किया। सब में तुम दोनों का हाथ है। ओए, कहीं तुम दोनों ने सुखविंदर उसकी बीवी को तो नहीं मारा था? और ना साहब जी, आप तो सुखविंदर को जानते भी नहीं है। अच्छा, वो तो बलवंत और बलजीत को तो जानते हो ना। तुम्हारा उन्हें कहाँ रखे हैं पैसे, बोलो? केड़े पैसे? केड़े पैसे? केड़े पैसे? जो पैसे बलवंत और बलजीत ने परमजीत के घर बेच कर कमाया था, 48 लाख रुपए। साहब जी, कौन सी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, हम लोग कुछ नहीं जानते। पुलिस वाले को लैंग्वेज समझाएगा? बताऊं तेरे को पुलिस वाले का लैंग्वेज? नवजोत सर, ले जाओ इसे, मार दो गोली। अच्छा भाई, तेरा टाइम हो गया, चल चल चल। मम्मी ने कुछ नहीं किया सर जी, मम्मी ने कुछ नहीं किया सर जी, मुझे छोड़ दो। वीर जी, वो कार बलवंत वीर जी के नाम पर है, अगर आप वो कार बिकवा दोगे तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। ओ नहीं गुलीन, ऐ तो की कह रही है, मैं नहीं कर सकता है। तो सी कर सकते हो भाजी, इसलिए तो थोड़े पास हैं। घर बिक जाएगा, अब थोड़े पैसे आ जाएंगे। ओए अब तो तुम दोनों एक होने जा रहे हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। ओ ना जी ना, दिल पे बोझ लेके ना कोई लव स्टोरी ना बनानी। इतने सारे लोगों के खून के दाग लेकर कितने साथ रहेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने अपने प्यार के वास्ते इन लोगों की जान ली।
इसलिए गुरलीन दिल्ली जा रही है अपनी मासी के पास। हाँ मैं भी देखता हूँ की कर सकता। ओके गुरलीन, हूँ तू कह रही तो मैं कुछ करता हूँ। पुत्र वैसे तो तेरा घर करोड़ों का था, पर जल्दी जल्दी में 30 लाख ही मिले। ऊपर से लोग बातें बना रहे हैं कि इतने सारे लोगों की डेथ हो गई वहाँ, कोई मार्केट में गाहक ही नहीं है। कोई गाल नहीं वीर जी, जिन्ना हैगा काफी है। ये पुत्र गिन तो ले। कोई गाल नहीं वीर जी, भरोसा है आप पे। कोई गाल नहीं, जाओ छड़ के। सस्रीकाल। हाँ सस्रीकाल। जाओ पाजी। ओए हम हो और काम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? चल बाद में गल्ला करेंगे। आ गया कंजर, क्या चाल चली है तूने? पाजी जहां इतने पैर हो ना, चाल तो बनती है। वैसे लूटने में आप एकदम बेस्ट हो जी। तो इसका 1 करोड़ का मकान था और तूने 30 लाख थमा दिए। 70 तो मेरे हैं ना। ओए 70 नहीं 60, वो 10 तो मेरे हैं ना। चंगा जी दे दो। संभाल के रख और देख जरा ध्यान नाल। चलो पाजी चलो। सत्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ मैनू माफ कर दे, मैनू माफ कर दे माँ। जय माता दी, जय माता दी। इन पैरों को शुद्ध कर दे माँ, शुद्ध कर दे माँ, शुद्ध कर दे माँ, माफ कर दे माँ। दर्शन दे माँ, दर्शन दे, दर्शन दे माँ। माँ तुसी आ गए। माँ मैंने बहुत बड़ी गलती की था, गुरनील मेरे नाल बहुत प्यार करती थी, बट मैं उसको धोखा दे दिया। माफ कर दे माँ, माफ कर दे माँ। माफ कर दे, माफ कर दे। छेड़, ओ सबकी आ जाओ, पकड़ लिया मेरे को। छेड़, अरे पम्मी के हाथ में रखे जाना बहुत मुश्किल है। छेड़, छेड़, मैं, छेड़, अरे, छेड़। क्यों वकील साहब, क्यों है तोनू? क्या सोचा था? जुर्म करोगे और सबूत भी बिठाओगे? हाँ इन्नी वकालत नहीं सीखी आपने? चलो पुलिस स्टेशन में सिखाते हैं आपको। साहब जी, साले ने मुझसे कहा था कि और भी सौदा भी हो गया, पैसे भी मिल गए तुझे, लेकिन चैन नहीं मिल रहा होगा ना। ओए गुरली ना, जान छिड़कती थी तेरे ऊपर। हाँ पाजी बहुत बुरा लग रहा, अंदर में बहुत गिल्ट गिल्ट सा फील हो रहा है। तू एक काम कर, तू ना घर में जगराता करवा और पुरानी पुलिया पे जाके ना अपने पैर शुद्ध करा ले। मैं तेरे को स्पेशल चरण में तला के दूंगा बाबा जी से लेके। पुरानी पुलिया पे जाना, पूजा करना, चरण अमृत पीना, बस हो जाएगा तेरा काम। चंगा जी मैं आज ही करा। तूने जो चरण अमृत दिया था उसे हमने बदल दिया था। आप सही कह रहे थे सर। सर मुझे लगता है या तो जोगिंदर है और नहीं तो हरजस। क्यों घर का भी तो हो सकता है। पम्मी और गुरलीन हमारे साथ थे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर देख, पहले खुद को तो बचा ले। पम्मी तू जा। अब बता जी। बड़ा अच्छा हो गया जी आपको, आपकी नौकरी वापस मिल गई। सच्ची यार सोचिया नहीं सी केस इतनी छेती निपट जाऊंगा। एक मुंडे ने खुदकुशी कर ली। बताओ जी, वैसे पाजी आपके मन पे बोझ तो बड़ा पड़ गया होगा। आपके पिंड का सी। ओ यार पैरों की गल अलग है, पर मैं किसी की जान थोड़ी ना लेना चाहता सी। तुसी जान पूछ के थोड़ी ना किता है। पर पाप तो मेरे मत्थे चढ़िया ना। वो तो पाजी पाप दूर कर लो। क्यों पाजी? एक बाबा जी है,
वो कहते हैं कि पुरानी पुलिया के पास जाके माता रानी का ध्यान करके जो उनका चरणामृत पी लेता है ना, माता रानी उसके सारे पाप काट देती है। वाह जी, एक बात और कर लीजिए, अब माता रानी को खुश करने के लिए ना उनका जगराता करवा ले, बस सब बल्ले बल्ले। हे माँ, मैनू अपना चेहरा दिखा दे माँ, माँ मैनू धन्य कर दे, माँ मैनू दर्शन दे दे माँ। जी मैंने किसी भी शरीफ आदमी को नहीं मारे, सबके सब कमीने थे साले। और दीपशिका, उसका होने वाला बच्चा मंजीत, खुशी, निर्मत, उनका क्या? और किसी को सजा देने वाला तू होता कौन है बे? सर इसकी कॉपी यहाँ है, मैंने कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करोगे ये अब? पुत्र जी, इंसाफ के लिए मैं तेरे पास आई थी तो सजा देखने कैसे नहीं आती? इतने सालों से जो मेरे अंदर दंगा चल रहा था, शांत हो गया उन मेरा की। मैं अपने टब्बर को जा रही हूँ, सुखी ते दीप शिखा को मैं जीना नहीं चाहती पुत्र, की करा थी तू इंसाफ द्वारा इंसाफ। थैंक यू अंकल, मोस्ट वेलकम सर। सुखविंदर, बलवंत और बलजीत इन सब ने गलत तरीके से पैसे कमाए और अपने मन का बोझ कम करने के लिए ये अमरदीप के झांसी में आ गए और अपनी और अपने परिवार वालों की जान गंवा दी। ये जो कुछ हुआ गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को शुद्ध करने के नाम पे हुआ। गलती इन सब की थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि होने वाले अपराध की दस्तक को ये पहचान नहीं पाए। अमरदीप का ये कहना कि माता रानी खुद आकर अशुद्ध पैसे को शुद्ध कर देगी अपने आप में एक दस्तक थी। क्या ऐसा कभी हुआ है या किसी ने ऐसा कभी सुना है? ये एक जाल था जिसमें एक के बाद एक सब फंसते चले गए। जब श्रद्धा और भक्ति के नाम पे हम किसी के बातों में आ जाते हैं तो वो सबसे बड़ी दस्तक होती है होने वाले अपराध की। सर, कंपनी बाग के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो, इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।